ओहो, तुम लोग सब आ गए हो। हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम तुम्हारे झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा बाबा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोगों को देने के लिए? फिर सुनो। एक था राजा। नहीं नहीं मामा, अब और राजा या राक्षस नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम जानते हो तितलियों के पास कितनी जानवरों की कहानियाँ हैं। आज हम लोगों को जानवरों की कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, वही सुनाऊंगा, लेकिन तुम लोग सब कहानी याद रखना। तो फिर सुनो। एक छोटी सी नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस पे एक बंदर का वास था। उस पेड़ के कुछ दूर में एक बसेरा था मगरमच्छ का। रोज मगरमच्छ जल से ऊपर आके धूप सेकता था और बंदर से अपना दुख सुख बात करता था। बातों ही बातों में बहुत ही समय हो गई, अब मुझे जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, सच में बहुत समय हो गया है। अब मैं समय तुम्हारा बर्बाद नहीं करूँगा। तुम्हारी पत्नी घर में इंतजार कर रही होगी। ये लो दोस्त जामुन, तुम्हारे लिए और तुम्हारी पत्नी के लिए। दोस्त, तुम ये रोज मीठा मीठा फल खिला के मेरे मुंह का स्वाद बदल दिए हो। बहुत अच्छा लगता है ये फल खाने में। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। छोटू की मम्मी कहाँ गई? मैं आ गया। आज इतना देर कर दिए। क्या बताऊँ, बात ही बात में समय निकल गया, पता ही नहीं चला। ये लो तुम्हारे लिए। तुम इतना मीठा फल कहाँ पाते हो रोज? स्टॉल पे एक मेरा बंदर दोस्त है, वो मुझे रोज ये जामुन देता है और खिलाता भी। बहुत अच्छा है। जो इतना मीठा फल खाता है, सोचो उसका कलेजा कितना मीठा होगा, है ना? ठीक बोली ना? क्या बोल रही हो तुम? अगर मुझे सच में प्यार करते हो तो मेरा इच्छा पूरा करो। तुम जाके अपने दोस्त का कलेजा लेके आओ, मैं खा के अपना स्वाद बढ़ाना चाहती हूँ। क्या बोल रही हो तुम? ऐसे मत बोलो। तुम नहीं जानती हो क्या कि वो मेरा कितना अच्छा मित्र है। मैं उसके साथ ऐसा कैसे करूँ? नहीं नहीं नहीं, जब तक तुम मेरी ख्वाहिश पूरा नहीं करोगे तब तक मैं अपना भूख प्यास नींद सब कुछ हड़ताल करके रहूँगी। मैं तुम्हारे आँखों के सामने मर जाऊँगी। देखती हूँ तुम किसको ज्यादा प्यार करते हो, अपनी पत्नी को या फिर उस बंदर दोस्त को। ठीक है? ओह, मैं तो बहुत ही मुसीबत में पड़ गया। मैं अब क्या करूं? एक लौती मेरी पत्नी है, उसकी बात तो मानना ही पड़ेगा, पर उसको कैसे लाऊं, क्या करूं? तो तुम्हें आने में इतना समय क्यों हो गया? और तुम आज बहुत उदास लग रहे हो, क्या हुआ है बताओ? क्या बोलूं दोस्त, आज तुम्हारी भाभी मुझे बहुत कुछ सुनाई है। वो बोली है कि तुम्हारे जैसा मतलब ही इस दुनिया में और कोई नहीं। क्यों? वो कह रही थी जो दोस्त तुम्हें रोज रोज फल खिलाता है, तुम उस दोस्त को कभी अपने घर नहीं बुलाए हो, इसीलिए। अच्छा, इसीलिए? इसीलिए वो बोली है आज तुम अपने दोस्त को लेके आना, वरना तुम मुझसे कभी बात मत करना। दोस्त, तुम्हें आज मेरी बात मानना ही पड़ेगा, इसीलिए तुम मेरे घर चलो, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ठीक है, ऐसे मत बोलो दोस्त, मैं बहुत खुश हो गया तुम्हारी बात सुन के। लेकिन मैं तुम्हारे घर पे कैसे जाऊंगा? मैं तो स्थल पे रहता हूँ, मुझे तो तैरना नहीं आता। अगर मेरा मन भी करेगा तो भी नहीं जा पाऊंगा। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें अपने पीठ पे बिठा के मैं ले जाऊंगा। तो फिर जाने में कोई तकलीफ नहीं है, चलो फिर चलते हैं।
कुछ समझ नहीं पाया है। भगवान की कृपा है कि अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है। बहुत दूर तक मैं चलाया हूँ इसे लेके बीच नदी में। अभी अपने मन की बात मैं इसे बता देता हूँ, ये भाग भी नहीं पाएगा। दोस्त, मैं तुम्हें क्यों ले जा रहा हूँ तुम्हें पता है? हाँ, तुम तो मुझे पहले ही बता दिए हो। दोस्त बेवकूफ, सच बात यह है कि मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें प्यार से लेके जा रहा हूँ। मरने से पहले दोस्त अपने कुल देवता का नाम ले लो। तुम्हारा तो मैं कोई नुकसान नहीं किया हूँ दोस्त, तुम मुझे मारना चाहते हो? मेरी इकलौती पत्नी का मन था तुम्हारा कलेजा खाने के लिए, इसीलिए मैं उसका इच्छा पूरा कर रहा हूँ। दोस्त तो बहुत आएंगे पर पत्नी तो मेरी एक है। ओ, ऐसी बात है, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताए तुम? मेरे मन में तो ये हिंसा नहीं था, मैं तो खुश होके तुम्हें दे देता। मेरे पास मेरा कलेजा नहीं है, मैं तो अपने कलेजे को जामुन के पेड़ पे रखता हूँ। तो फिर आप क्या करेंगे? तो चलो जामुन के पेड़ पे से मैं अपना कलेजा ले आऊँ। हाँ तो फिर चलो चलो जल्दी चलो, वरना मेरी पत्नी अभी तक भूखी है, खाना भी नहीं खाएगी। चलो चलो। हाँ हाँ चलो, और देर मत करो। मगरमच्छ दोस्त, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझे हो? मैं बेवकूफ नहीं, किसी का कलेजा क्या पेड़ पे रहता है? नहीं नहीं दोस्त, तुम्हें बहुत मिलेंगे मगर जिंदगी में कभी मेरे जैसा नहीं।